बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हबीबास किचन में नई रेसिपी के साथ खुश आमदीद। आज हबीबास किचन में हम बहुत ही सस्ती, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार स्वीट बना रहे हैं, जिसको आप किसी भी खुशी के मौका पर बना सकते हैं। ये स्वीट बनाने के लिए हमारे पास हैं ब्रेड स्लाइस, चार हम ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और इनके किनारे हटाने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम इस तरीके से बड़े बड़े क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे और फिर इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए ये हमारे पास ऑयल गर्म है। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल तेज़ गर्म नहीं होगा, ब्रेड अपने अंदर ऑयल को ज़्यादा जज़ब करेगी। तेज़ गर्म ऑयल में ब्रेड क्यूब्स को हम इस तरीके से हिलाते हुए तकरीबन एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, एक मिनट के बाद ये बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम पैन में डालेंगे हाफ कप चीनी और हाफ कप ही इसमें हम पानी डालेंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि चीनी इसमें मिक्स हो जाए, ज्यादा नहीं पकाएंगे। और पकाने के दौरान हम इसमें शामिल करेंगे एक चुटकी इलायची पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर हम फूड कलर यूज करते हैं तो जो हमारी स्वीट है उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अभी हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए ब्रेड क्यूब्स और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप नारियल को बारीक ग्रेट करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इन क्यूब्स को हम चाशनी में तकरीबन एक मिनट तक डिप रहने देंगे। एक मिनट के बाद हम ब्रेड क्यूब्स को निकाल लेंगे और इनको हम पिस्ते और बादाम से गार्निश कर देंगे।